हेलो दोस्तों, प्राइमेक शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक पंखे के बारे में, एक एक्सीडेंट होने से बच गया है दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो या आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी फ्रेंड के साथ ना हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कभी भी आपका पंखा ना गिरे। और जो गिरता है पंखा वो क्यों गिरता है, और ज़्यादातर जो हमारे मकैनिक होते हैं, जो मकैनिक भाई होते हैं, वो उस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और उससे होता क्या है, वो पंखा धीरे धीरे करके महीने में, छः महीने में वो पंखा गिर जाता है। वो क्यों गिरता है, किस तरीके से गिरता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक एक्सीडेंट होने से बच गया है दोस्तों, क्योंकि उस पर पहले से ही गौर कर ली गई है। और ये पंखा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका एक नट ढीला होने के कारण ये पंखा गिरने से बच गया है। वहाँ पे बच्चे भी थे, सारी चीज़ें हैं। मैं घर में गया, घर में जाने के बाद मैंने देखा तो पंखा कटर कटर करके मैंने ध्यान दिया तो वो पंखा गिरने वाला था। कुछ ही टाइम में अगर मैं ध्यान नहीं देता तो वो पंखा गिर जाता। और सहजर आपके साथ ना हो, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये आप देखें, यहाँ से ये पंखा गिरने वाला है और कुछ ही टाइम में ये पंखा गिर जाता। अगर ये ध्यान नहीं देते तो पंखा ये गिर जाता और किसी का भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता था। तो इससे पहले ही आप अपने पंखों को चेक कीजिए और आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पेज है ये पूरे का पूरा निकल चुका है। इधर से आप देखें, ये क्लिप में से पूरे का पूरा पेज निकल चुका है। अब ये हुआ क्यों है दोस्तों, यहाँ पे ये पंखा, अगर आपका पंखा आवाज कर रहा है या किसी भी तरह के कोई आपका झटका लेके पंखा चल रहा है, तो उसको आप रिपेयर जरूर कराइए या फिर आप उसमें नया पंखा लगाइए। होता क्या है, जब ये झटका देता है इसमें बैरिंग वगैरह, ये आप जो पंखा देख रहे हैं, ये आप जो पंखा देख रहे हैं इसमें बैरिंग वगैरह कटे हुए हैं, और ये पंखा जो है ये झटके लेके चल रहा है। अब ये जैसे ही ये पंखा झटके लेके चल रहा है तो ये हल्के से, ये जो सापट होती है इस तरीके से होती है ये, और यहाँ से पेच भी कट जाता है और साथ में जो इसके यहाँ पे नट लगा होता है। तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, पेच लगाने के बाद यहाँ पे पिन नहीं लगाते हैं। तो उसका कारण ये होता है, जब ये झटके लेता है तो पेच वाइब्रेशन से जो है ना वो घूम जाता है। घूमने के बाद होता क्या है कि वो जो है ना पेच खुल जाता है वाइब्रेशन होके। तो इस पे जब भी आप पंखा लगाएं या फिर लगवाएं तो इसमें आप ध्यान पूर्वक जो है इसमें पिन जरूर लगवा लें। और साथ में ये वाली जो ऊपर रबड़ रहती है, आप देख रहे हैं ये वाली जो रबड़ रहती है, इसको आप जरूर से जरूर लगवाएं, जिससे कि आपकी सेफ्टी पूरी बनी रहे और पंखा आपके कोई भी हादसा वगैरह ना हो, पंखा ना गिरे। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आज ही अपने छतों के जो भी पंखे हैं उनको जरूर देखें और साथ में पिन जरूर लगाएं, क्योंकि ये आप देखें कुछ ही टाइम में पंखा गिर जाता है और किसी को भी हादसा हो सकता है। तो इस बात की आपकी सेफ्टी बनी रहे, इससे आप जरूर से जरूर अपने पंखों को जरूर देखें। और साथ में ये जरूर नोटिस करें कि आपका पंखा, जो ये पंखा है, ये कहीं आवाज तो नहीं कर रहा है या फिर कुछ इस तरीके से झटके लेके चलता है, ये इस तरीके से तो नहीं चल रहा है। और साथ में एक बात और नोटिस करें कि आप अगर नया पंखा भी हो तो वो आपका एक तरीके से पूरा झटका खट से इस तरीके से ना हो। तो अगर खट से हो रहा है, वो एक तरीके से आवाज सी आ रही है, तो होता क्या है, यहाँ पे आप देखें जो रबड़ होती है, जो यहाँ पे रबड़ होती है वो इस तरीके से खट जैसा बोलती है, इस तरीके से। यहाँ पे जब रबड़ नहीं होगी, इसमें भी देखो आप, ये देखो आप, रबड़ नहीं है फैन बॉक्स में, तो इस तरीके से जब वो खट जैसा होता है तो यहाँ से पेच कटने का पूरे पूरे चांसेस रहते हैं और आपका एक्सीडेंट होने का पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो मैं मैकेनिक लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जब भी आप पंखा किसी के यहाँ लगाएं तो इसमें रबड़ जरूर लगाएं, और साथ में जब नया पंखा या फिर आप रिपेयर करके लगा रहे हैं तो इसमें रबड़ जरूर लगाएं और साथ में पिन जरूर लगाएं, जिससे कि आप बंदे की सेफ्टी भी रहे और आपको भी शिकायत का मौका ना मिले। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि बंदों को पता चल सके कि इस तरीके से पंखे गिरते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और कोई भी खतरा जो है वो बना रहता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, अपने पंखे चेक करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके, बाय बाय।